नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में दोस्तों, जहां पे 141.40 का दोस्तों क्लोज आया है और स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए, इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, ब्रोकरेज के टारगेट क्या है दोस्तों, और आप मेरे चैनल में पहले से जुड़े हुए तो आपको पता है दोस्तों कि ये स्टॉक ने को मैंने बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना के आपको हर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वहाँ पे आपको वीडियो बना के अपडेट किया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि 72-73 से दोस्तों जब पहली बार मैंने रेकमेंड किया था इस स्टॉक को, जो मार्च 2024 को किया था 2021 में, तो वहीं से दोस्तों काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया और तब मैंने बोला था कि ये 150 रुपया चला जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों बहुत सारे वीडियो बनाए और लेटेस्ट वीडियो जो मैंने बनाया था अभी कुछ ही टाइम पहले जुलाई 10 को बनाया था दोस्तों, तब मैंने बोला था कि 5 रुपये इसका रिस्क है और आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, आने वाले टाइम में आप पोजिशनली होल्ड कर सकते हो, और दोस्तों बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हमें मिल चुका है दोस्तों। सेल में क्या करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं बता देता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर ज़रा गौर कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में मार्च 2021 और जून 2021 में 10-10% की कटौती प्रमोटर की दिख रही है दोस्तों। बट FII की अगर बात करें तो कंटिन्यूस राइज दोस्तों FII में आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको फंडामेंटल चेंजेस के ऊपर बताया था। इवन DI भी दोस्तों कंटिन्यूस इंक्रीज के ही मूड में है, और सबसे बड़ा दोस्तों पब्लिक होल्डिंग है, और पब्लिक होल्डिंग में नाम किसका है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राकेश झुनझुनवाला दोस्तों। उन्होंने 1.39% के शेयर परचेस किए हैं, इतना स्टेक बाय किया है। तो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला ये स्टॉक में एंटर हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था, बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कि सर श्याम मेटा लिख ले क्या, इसका टारगेट बहुत बड़ा है, तब भी मैं बोल रहा था कि सेल जो है स्टील अथॉरिटी इंडिया, जिसका पी बहुत ही ज़्यादा कम है दोस्तों बाकी के मुकाबले। अगर कंपनी की अच्छी बात की जाए तो दोस्तों कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट और कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24.57% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 7.65% फॉर लास्ट ईयर। जो लाइबिलिटी दोस्तों था वो अभी कम हो रही है, रिड्यूस कर रहे हैं डेप्ट, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर -10%, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए दोस्तों। ब्रोकरेज के टारगेट ऊपर नज़र करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर। दोस्तों स्टील अथॉरिटी इंडिया बाय करने का बोल रहे आनंद राठी, 181 का टारगेट है, तो काफ़ी लंबा टारगेट है। इवन दोस्तों आप देख सकते हैं ICICI डायरेक्ट 149 का टारगेट दे रहे हैं, तो वो तो दोस्तों बहुत जल्द आ जाएगा। दोस्तों डिलीवरी की अगर बात की जाए तो 30.52% का डिलीवरी हुआ है, और टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 13,33,81,000 का ट्रेड हुआ है, और 4 करोड़ जितना डिलीवरी हुआ है। अब देख दोस्तों चलते सीधे चार्ट के ऊपर। दोस्तों आपने वो देखा होगा 115 का दोस्तों जो कैंडल था, 125 का दोस्तों, उस कैंडल के बाद दोस्तों स्टॉक में मूवमेंट आया और काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें मिल चुका है दोस्तों। चार्ट में कोई मैंने चेंज नहीं किया है, जो 72 रुपीज़ 76 रुपीज़ का था तब से दोस्तों यही चार्ट को दोस्तों फॉलो कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं आया है। ये जो लेवल है वो वहीं के वही है, आपको जो सारे ब्लू लाइन्स दिख रहे हैं वो सारे रेजिस्टेंस लेवल थे, उसको स्टॉक ने तोड़ा और हमें पैसा बहुत ही मजबूत दिया है। अब कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा है, अब रिट्रेसमेंट लेवल 120 का है और हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो 116, यानी कि 116 से 120 का बेहतरीन सपोर्ट जोन था, उसको सपोर्ट बहुत बार दिया था दोस्तों, पुराने वीडियो में आप मेरा देख सकते हैं, और यहाँ से ये स्टॉक ने अभी मूवमेंट दिया है दोस्तों। 150 का साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों, क्योंकि लास्ट जो कैंडल था वो वहीं से दोस्तों मुड़ा था 151 से, तो 150 के ऊपर ये क्लोज आना स्टार्ट हो फिर हमें नए लेवल मिलेंगे। और दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल जो पुराना मैंने बोला था वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 175 के आसपास का जो रेजिस्टेंस लेवल है वहीं तक दोस्तों स्टॉक जा सकता है। तो दोस्तों ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।